वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली हैं। और ये सारी की सारी मूवीज यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हैं और इन सभी मूवीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इन मूवीज को फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, जिस वजह से ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी रिमूव हो सकती है। अगर कोई मूवी आपके देखने से पहले डिलीट हो जाती है तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसी बेहतरीन मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में 10th नंबर पर आती है 2020 में आई थ्रिलर हॉरर पर बेस्ड मूवी वेनिंग मून। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक गांव की, जहां पर लोग सुपर नेचुरल पावर्स और भूतों में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। और तब कहानी फोकस करती है नोचन नाम की एक लेडी के ऊपर और वो अपनी तंत्र विद्या से भूतों को दूर रखने का काम करती थी, लेकिन अब उसकी एज हो चुकी है जिसकी वजह से अब उसकी जगह पर किसी और को आना होगा, जिसके बाद वो अपनी भतीजी को चुनती है जो उसके बाद उसका काम करेगी। लेकिन इसके लिए उसकी भतीजी को हमेशा के लिए कुंवारी रहना होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब उसकी भतीजी किसी से शारीरिक संबंध बना लेती है, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो दोस्तों अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 9th नंबर पर आती है 2007 में साईफाई थ्रिलर पर बेस्ड मूवी सनशाइन। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.2 की शानदार रेटिंग दी गई है और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कि हमारा जो सन है उसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसके बाद सन को बचाने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है ताकि वो लोग सन पर काफी मात्रा में हाइड्रोजन बॉम्ब गिराकर उसे प्रिवेंट कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब उन सभी की जान वहां पर खतरे में पड़ जाती है। तो दोस्तों अब ऐसा उनके साथ क्या होता है और आगे मूवी में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 8th नंबर पर आती 2000 में आई थ्रिलर हॉरर पर बेस्ड मूवी दी सेल। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.4 की रेटिंग दी गई है और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक सीरियल किलर की जो कि काफी सारी हत्याएं कर रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब कैथरीन नाम की एक साइको थेररिस्ट उसके माइंड को पढ़कर आगे होने वाली हत्याओं को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों अब वो ऐसा करने में कामयाब हो पाती या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। और अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद हो तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई कीजिएगा। लिस्ट में 7th नंबर पर आती 2015 में ड्रामा एडवेंचर पर बेस्ड मूवी दी वॉक। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.3 की रेटिंग दी गई है और इस मूवी में कहानी फोकस करती है फिलिप नाम के एक लड़के पर जो कि बचपन से एक स्ट्रीट परफॉर्मर बनना चाहता था और काफी कोशिश करने के बाद वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों जब वो दो टावर के बीच में रस्सी बांधकर उन पर चलने का फैसला करता है, जिसके बाद उसके साथ आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 6th नंबर पर आती 2017 में हॉरर कॉमेडी पर बेस्ड मूवी बस पार्टी टू हेल। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 4 की रेटिंग दी गई है और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कुछ लोगों की जो कि बस में पार्टी करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब एक डेजर्ट के बीचों बीच उनकी बस फंस जाती है, जिसके बाद वहां पर उनका सामना हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक शैतान से जो कि उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। तो दोस्तों अब ऐसे में वो लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में 5th नंबर पर आती 2018 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी एग्जिट जीरो। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.4 की रेटिंग दी गई है और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक कपल की जो कि बाहर वीकेंड पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर वो लोग एक होटल में रुकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब उन्हें उनके रूम में एक वीडियो टेप मिलती है जिसमें उस रूम में हुए सारे के सारे मर्डर्स रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों अब उनके साथ वहां पर क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 4th नंबर पर आती 2016 में वॉर एक्शन पर बेस्ड मूवी 13 आवर्स। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.3 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक सिक्योरिटी टीम की जिन्हें एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा करने में वो कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। American lives to save.
लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती 2009 में ड्रामा एक्शन पर बेस्ड मूवी पब्लिक एनिमीज। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 7 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी 3 गैंगस्टर्स की, जिन्होंने पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा होता है, और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब ही रहती है। तो दोस्तों, मूवी में आगे हमें ये देखने की उन लोगों को कौन और कैसे पकड़ता है। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती 2008 में क्राइम एक्शन पर बेस्ड मूवी दी बैंक जॉब। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी टेरी नाम के एक सेल्समैन की, जिसके घर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब उसके पास मार्टिन नाम का एक बंदा आता है, जिसने एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया होता है, और वो टेरी को भी अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा करने में वो कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। और अगर आपको रॉबरी पर मूवी देखना पसंद हो तो इस मूवी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती 2018 में साईफाई एक्शन पर बेस्ड मूवी अपग्रेड। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी ग्रे नाम के एक बंदे की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन कुछ लोग ग्रे की वाइफ की हत्या कर देते हैं, और वो लोग ग्रे को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रे नहीं मरता बल्कि वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब एक साइंटिस्ट ग्रे की बॉडी में एक चिप लगा देता है, जिससे ग्रे एकदम ठीक हो जाता है और उसमें कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स भी आ जाती हैं, जिसके बाद अपने वाइफ की कातिलों को पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों, मूवी में आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।